बठिंडा से हैं कुलजीत जी, स्वागत है आपका हाँ जी, नमस्कार सर। जी। सर, जय पहले हिंद। तो मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका कि मेरी मम्मी के लिए हमने गोंद सीएम मंगवाया था और उनको काफी फायदा हो रहा है, काफी अच्छा फायदा हो रहा है। जी और जी सब और मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो मेरी बहन है, 12 साल उसकी मैरिज को हो गए, शादी को, उनके बच्चा नहीं है। पहले तो पीसीओडी की रसौलियों की मतलब बताई थी प्रॉब्लम, लेकिन वो तो अब ठीक है, फिर भी मतलब वो कुछ फायदा नहीं हो रहा उनको। ठीक है। और दूसरा सवाल है सर, मेरा खुद का बेटा 15 साल का, उसको नज़ले की प्रॉब्लम है, उसके बाल बहुत सफेद हो रहे हैं और कुछ भी खाता है मतलब तो थोड़ी देर बाद उसको ना मतलब ऐसे कहते हैं कि लैट्रिन आ जाती है। ठीक है ठीक है। ये दोनों सवालों का प्लीज जरूर जवाब दें। हाँ बच्चा, देखो बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि आपकी मम्मी को फायदा हो रहा है मुझ जैसे मामूली आदमी के मशवरे से। और उन्हें पूरा इलाज कराना पहले तो मम्मी का, और मेरी तरफ से मम्मी को सलाम बोलना। और जो बच्ची आपकी बहन के बच्चा नहीं होता है, उनके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। ईसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर्स पर, तमाम मेडिकल स्टोर पर, गांव तक में मिलती है, तो वो ख़रीद लें थोड़ा सा, एक पैकेट इतना बड़ा, और उसका एक चम्मच ईसबगोल की भूसी, एक गिलास गर्मा गर्म दूध या पानी उसमें मिलाएं और हिलाते रहें, और उसमें शक्कर मिला दें उनकी ज़रूरत की, जितना मीठा वो पसंद करते रहें, तो ये खीर सी बन जाती है। और गौंद चिलगोज़ा एक चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है। चिलगोज़े का गौंद या गौंद चिलगोज़ा वो उसमें मिला दें और ये चम्मच से खा लें मीठा करके। और अगर ये ज़रूरी हो तो अपने जीजा जी भी खा लें, अगर उनमें भी कोई कमी होगी तो वो भी निकल सकती है। बस ये रोज़ एक बार रात को सोते समय ले लिया करें दोनों, कभी भी आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं। और इनका क्या सवाल था? 15 साल का बेटा है, नज़ला रहता है, बाल दिक्कत है और खाते वक्त मोशन आ जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे बेटे को है, इसमें इम्यूनिटी नहीं होती, कम होती है, मतलब ज़रूरत से इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बने बनाए प्रोडक्ट भी हैं और घरेलू नुस्खा भी है, आपको जो आसानी हो वो कर लें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाव एक दवा का नाम है, अलसी एक दवा का नाम है। ये 100-100 ग्राम खरीद लें, उन्नाव की गुठली निकाल के फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीप लें, जो हमारे किचन के गरम मसालों में सूखे हुए शहतूत की तरह होती है, ये 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें और एक चम्मच बच्चे को सुबह ही खिला दें, यानी हार मुंह खाएं तो अच्छा है, और एक चम्मच रात को सोते वक्त। और इसके बाद गर्म पानी या चाय पीना, गर्म गर्म कुछ चीज़ लेना ज़रूरी है। दूध मत दीजिए, दूध से परहेज कराइए, और 5-6 महीने ये नुस्खा लगातार खिलाएं तो बच्चा फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते वो खट्टी चीज़ें छोड़ दे तो जल्दी फ़ायदा होगा, बाज़ार की और खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इस बच्चे को भी फायदा हो सकता है। जी, इंदौर से हैं निशा, स्वागत है आपका हेलो, नमस्ते सर। जी। हेलो हकीम जी। जय हिंद निशा। सर, मुझे ना फीडबैक देना था मम्मी के लिए। सर, मम्मी को ना थायराइड था और ना आपने जो मोरिंगा वाला नुस्खा बताया था ना, उससे मम्मी को बहुत फायदा हुआ है। और मेनोपॉज भी हुआ था मम्मी को, और आपने चिलगोजा और धनिया बताया था ना, उससे भी मम्मी को बहुत फायदा हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बच्चा। और कोई सवाल है? हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर, मेरा ना कलर बहुत डाउन है, इसके लिए ठीक। पूछना था। बिटिया, मम्मी को मेरा सलाम बोलिए, और उनको भगवान ने फ़ायदा दिया, और आपसे और आपकी मम्मी से मेरा अनुरोध है कि ये नुस्खा अपने तक ना रखें, इसको फैला दें पूरे इंदौर में,
एक तो वो इंदौर से वो कर्नल वर्मा का फोन नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं बहुत दिन हो गए। भगवान करे उनकी तबीयत अच्छी हो। और हर रोज जुड़ते थे कर्नल वर्मा, भगवान करे वो खैरियत से हों, सलामत हों। और कलर साफ करने के लिए भी यूनानी में है नुस्खे। देखिए आंवला समझते हैं आप, आंवला सूखा हुआ मिलता है, खरीद लें 200 ग्राम आंवला, और ये अलसी 100 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम आंवला, अलसी 100 ग्राम, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक बना लें, पाउडर बना लें। और गन्ने का रस, गन्ने का रस 1 गिलास के साथ इसे रोज़ाना 4 ग्राम खा लिया करें, रात को सोते समय या सुबह को निहार मो, गन्ने के रस के साथ ताज़े ताज़े, आप जितना चाहें अपना कलर साफ कर सकते हैं। जी, करनाल से हैं आंचल जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मुझे ये प्रॉब्लम है कि पीरियड्स मेरे इम्बैलेंस रहते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल है मैम। 18 साल, पीरियड्स इनबैलेंस रहते हैं। आप हैं अभी लाइन पर? यस मैम। बच्चा ये बताइए कि ज़्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं या देर में आते हैं? सर ये है क्या, मतलब रात से ही है, हमेशा थोड़े थोड़े रहते हैं और कभी चले जाते हैं और कभी आ जाते हैं, सही डेट पे नहीं आते। मतलब ज़्यादा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, एक दो ड्रॉप हाँ, आते नहीं रहते। नहीं सर, ज्यादा नहीं रहते, मतलब थोड़े थोड़े रहते हैं और थोड़े थोड़े ही आते हैं, हर वक्त आ जाते हैं कभी भी। ठीक है, ठीक। अच्छा बच्चा, वो गोंद चिलगोजा आता है एक दवा, गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट शायद इसे कह सकते हैं दुनिया का। इसके पेड़ से गोंद निकलता है, उसे गोंद चिलगोजा कहते हैं। और एक चुटकी गोंद चिलगोजा आप खा लिया करें रोज़ाना रात को सोते समय खाएं, और आधा चुटकी खाने का सोडा या नमक 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें। बस एक ही बार लेना, बहुत तेज़ होता है, आपकी समस्या हल होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से हैं सोमपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद सोमपाल जी, स्वागत है। हकीम साहब आपका परिवार कुशल मंगल? सब बेहतर है, आप बताएं आपके यहाँ कुशल मंगल? हाँ जी हकीम साहब, मैं आपको साल भर से प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप तीसरी बार फोन कर रहा हूँ, अच्छा तीनों बार कॉल लगी है। जी तीनों बार कॉल लगी है हमारी। मैडम कुछ क्वेश्चन है, मैं लिख लो आप हकीम जी साहब सर। तो पूछ ली। हाँ हकीम साहब, एक तो हमारा पोता है, पोता है 6 साल का, उसको जुकाम खांसी बहुत होता है, ठीक है, दूसरे उसके चाचा को भी होता है जुकाम खांसी, इनको जुकाम खांसी होता ही रहता है, फिर ये इंग्लिश दवाई पर दवाई, दवाई पर दवाई खाते रहते हैं और ठीक हो जाता है, 10-15 दिन बाद फिर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो बात ये है डॉक्टर साहब, हकीम साहब, दूसरे इनकी दादी की दवाई मंगाई थी मैंने वहीं से ही, आपके यहाँ से आपने बताई थी, उनके घुटनों में दर्द है और उनको शुगर है। हाँ डॉक्टर साहब, उनके शुगर में भी थोड़ा आराम है, थोड़ा ही आराम है, और घुटनों में भी बहुत कम आराम है, घुटनों में पेन बहुत। कितने दिन से ले रहे हैं दवा? 2.5 महीने हो गए डॉक्टर साहब। ठीक है, 2.5 महीने। अच्छा देखिए, दादी हो या पोता हो, उम्र ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सब पर ये बात लागू होती है। देखिए अगर दादी हैं तो बहुत मेहनती होंगी, ज़िद्दी होंगी, मानती नहीं होंगी, तो मैंने कहा है झाड़ू पोछा नहीं करना और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना, अगर नहीं करते हैं तो कराइए। तो 2.5 महीने बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए,
कम क्यों हो रहा है? भाई दो ही चीज़ें होती है, ये भगवान ने तो बड़ी अच्छी दवा बताई है, बनाई है, और हम कुछ गलती करते हैं। अब या तो मैं गलती कर रहा हूँ या दादी गलती कर रही, तो देख लीजिए कौन गलती कर रहा है। और आधा आधा ग्राम गौंसिया दें, जिनको दो बार से फ़ायदा नहीं होता वो तीन बार भी आधा आधा ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कम फायदा है। और ये जो नज़ला का मर्ज है ये सबसे ख़तरनाक है, हालांकि हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, और यही वो रोग है जिससे हम हमेशा जूझते ही रहते हैं। इसका भी इलाज है यूनानी में, आयुर्वेद में, सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाब का गुठली निकाल के फेंक दें, ये एक बेर होता है, ईरानी बेर, जिसे उन्नाब कहते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, और 30 ग्राम पीपले, जो हमारे किचन के गर्म मसालों में पाई जाती हैं, तो वो मिला के पाउडर बना लें। ये पाउडर जितना, ये पाउडर है, ये सफ़ूफ है जितना, उतने ही शहद में मिक्स करके रख दें। अब ये एक चाटन हो गई, माजून हो गई, च्यवनप्राश हो गया, समझ लीजिए। बच्चा आधा आधा चम्मच खाए सुबह शाम निहार मुँह और रात को सोते वक्त, और इनके चाचा एक एक चम्मच खाएं इसी तरह। और दूध छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें बिल्कुल, और ये कम से कम 5-6 महीने दोनों लोग खाएं, दोनों को फायदा होना मुमकिन है जी। शिव कुमार प्रसाद जी हैं झारखंड से, स्वागत है आपका। जी सर, बताइए सर आपका सवाल। मेरा सवाल है, ये पेट में हमेशा कब्जियत बनती है, हाँ, और पैर हाथ में दर्द रहता है। शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन शुगर मेरा ठीक रहता है। उम्र कितनी है आपकी? 73 चल रहा है। ठीक है सर, समझ गए आप इनका। कब्ज, पैर में दर्द, शुगर है लेकिन कंट्रोल रहती है। अच्छा देखिए, अगर दर्द है तो दुनिया का सबसे बेहतर रॉ मटेरियल मेरे नज़दीक गौंसियाह माना जाता है, अगर असली मिल जाए तो। गौंसियाह असली लें और आधा ग्राम, एक चम्मच या दो चम्मच घी में मिलाकर ऐसे, या बादाम के तेल में मिलाकर आधा ग्राम दिन में दो बार खा लिया करें, तो कब्ज़ और ये दोनों चीज़ें एक साथ आपकी अच्छी हो सकती है। शुगर कंट्रोल है तो वही दवा लेते रहें जो आप लेते हैं। ये आप असली गौंसियाह ले लें और इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, रमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। मैंने मैडम जैतून का सिरका और जैतून का नमक लिया था। ठीक है। तो जैतून का सिरका, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक की वजह से बताया था डॉक्टर साहब ने कि भाई ब्रेकफास्ट से पहले 3 चम्मच और डिनर के बाद, डिनर से पहले 3 चम्मच, तो मैं वो डेली ले रहा हूँ। मेरी कंट्रोल तो है, बाकी बिल्कुल सुपर नॉर्मल नहीं है। और दूसरा है जैतून का नमक। जैतून का नमक मैं डिनर के बाद आधे घंटे बाद एक गिलास पानी में डाल, एक चुटकी डाल करके जैसा आपने बताया वैसा मैं ले रहा हूँ। परंतु तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे गैस बहुत बनती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते ही मेरा पेट फूल जाता है जी। ठीक है, तो देखिए अगर इसको और भी ताकतवर और ऐसा करना है कि ज्यादा फायदा दे, तो नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दानेक, ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और इससे खाया करें आप, और डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगी, अच्छी बात है। अपनी दवाएं भी साथ में लें, और अभी आपने शुरू किया है, फ़ायदा शुरू हो गया, और हजम होने वाली चीज़ें खाया करें, वरना ये जो 6 चीज़ों का नुस्खा मैंने बताया इसके साथ लेंगे तो ये हजम को आपके दुरुस्त करता है और सिस्टम को पेट के अच्छा करता है,
आप लगातार लें, फायदा उठाएं। मेरी दुआ है कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। जी, अगले कॉलर हैं भटिंडा से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सुलेमान साहब। जी आदा भटिंडा वालों। हाँ जी सर, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरे को ना खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब खारिश होती है स्किन पे। और मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। पाइल्स की मैम? हाँ जी मैम। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 साल। ठीक। जो देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ें हो गई। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। और नमक जैतून आता है कि ये असली लें, और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं, और खाने से पहले 1 चम्मच ये पाउडर जो मैंने बनवाया आपसे 7 चीज़ों का खाएं, और इस पानी से खाएं दिन में बस 1 बार या 2 बार, आपकी ये परेशानियाँ अच्छी होना मुमकिन है।